यूट्यूब चैनल में आप लोग को स्वागत है। आज का वीडियो में हम देखेंगे आधार कार्ड एनरोलमेंट स्लिप से कैसे आधार कार्ड डाउनलोड या स्टेटस चेक किया जाता है। आप लोग को नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बिना स्किप करके देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, नहीं तो बाद में नहीं बोलना कि समझ में कुछ भी नहीं आया। बाद में नहीं बोलना मेरे को। चलो फिर देखते हैं कैसे एनरोलमेंट स्लिप से कैसे आधार कार्ड स्टेटस या डाउनलोड कैसे किया जाता है। आपके पास मोबाइल होगा, मोबाइल से आपका मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। ओपन करने के बाद इधर सर्च बार में सर्च करना है UAIDAI। उसके बाद इधर देख सकते हो UAIDAI.gov.in आ गया। उसके ऊपर आपको इधर देख सकते हो UAIDAI.gov.in। उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा इसको जूम करना है। जूम करने के बाद जो देख सकते हैं, जो इधर पहले वाला लिंक आया है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हो और एक न्यू साइट ओपन हो गया। इसमें बोल रहा है जो आपका लैंग्वेज समझ में आएगा उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं इधर इंग्लिश सिलेक्ट करूँगा। आपका जो लैंग्वेज समझ में आएगा उसको आप सिलेक्ट कर देना है। मैं इधर इंग्लिश सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम लेने के बाद देख सकते हो गेट आधार इधर लिखा है, देख सकते हो। उसी वाला ऑप्शन में आना है। आने के बाद इधर देख सकते हो डाउनलोड, उसके ऊपर आपको डाउनलोड या चेक आधार कार्ड स्टेटस और दोनों है। अब किसी का ऊपर आप क्लिक कर देना। मैं इधर डाउनलोड का ऊपर आप मैं क्लिक कर देता हूँ। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जाकर सब्सक्राइब कर देना। ज्योति टेक्निकल यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जाकर सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही जानकारी वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। और आधार कार्ड कैसे डाउनलोड होता है आप लोग को नहीं पता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, या आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हो कैसे आधार कार्ड डाउनलोड किया जाता है। उसके बाद इधर डाउनलोड आधार कार्ड, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इधर पहले देख सकते हो इधर आधार कार्ड नंबर। आपको आधार कार्ड नंबर नहीं पता है इसलिए आप एनरोलमेंट स्लिप से आप आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसके बाद इधर एनरोलमेंट आईडी दो नंबर पे है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। एनरोलमेंट नंबर कहाँ से मिलेगा? पहले तो 14 नंबर था एनरोलमेंट नंबर, अभी 24 नंबर हो गया है। तो और 14 नंबर हम कहाँ से लाएंगे? वीडियो को लास्ट तक बने रहना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बाद में नहीं बोलना कि वीडियो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं पहले से ही एक एनरोलमेंट स्लिप को फोटो खींच के रखा हूँ। देख सकते हो मेरा इधर ये वाला है 14 नंबर। और 14 नंबर कहाँ से लाऊँगा? पहले ये वाला को आप किसी खाता या मोबाइल पे इसको नोट करके रखना है। ये 14 नंबर पहले नोट कर देना है। उसके बाद दूसरा नंबर हम और 14 नंबर कहाँ से लाएंगे? इधर देख सकते हो जो इधर डेट है, आप इसको उल्टा तरीके से डालना है। कैसे डालना है? पहले 2013 डालना है, उसके बाद दो महीना है, उसके बाद दो तारीख है। डाल देने के बाद उधर डालने के बाद ये वाला हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये टाइम है ना 13, 12, 22 सेकेंड और 15, 22 मिनट एंड
और 15 सेकंड है, उसको डाल देना है। इसको नोट करके रखना है, मैं डाल देता हूँ। अब भी पहले नोट करके रखना, मैं पहले से नोट करके रखा हूँ। चलो फिर डाल के देखते हैं। मैं पहले से डाल के रखा हूँ। क्या सब, पहले हमको साल डालना है, उसके बाद महीना डालना है, उसके बाद तारीख डालना है। डालने के बाद आपको जो बताया था ना, उसके बाद आपको इधर टाइम है ना, टाइम डाल देना है। डालने के बाद देख सकते हैं हमारा 24 नंबर का हो गया है, 28 नंबर एनरोलमेंट आईडी मेरा हो बन गया। आप भी इसी तरह बना सकते हो। उसके बाद इधर कैप्चर कोड है, कैप्चर कोड मैं डाल देता हूँ। ये कैप्चर कोड आपको समझ में नहीं आएगा तो इसको इधर रिफ्रेश कर सकते हो। रिफ्रेश करोगे तो दूसरा आ जाएगा। मैं कैप्चर कोड में डाल देता हूँ, आप भी इसी तरह कैप्चर कोड डाल देना है। उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। सॉरी, इधर कैप्चर कोड गलत बता रहा है, मैं दोबारा से डाल रहा हूँ। उसके बाद सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। देख सकते हो मेरा ओटीपी सेंड हो चुका है। मैं इधर मेरा ओटीपी डाल दूंगा। अब भी आपका ओटीपी डाल देना है। कॉपी कर दिया, कॉपी करके बाद, कॉपी करने के बाद इधर पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद वेरीफाई एंड डाउनलोड, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देख सकते हो मेरा आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है। आप भी इसी तरह डाउनलोड कर सकते हो। और मोबाइल में घर बैठे मोबाइल में कैसे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कैसे लिंक किया जाता है नहीं पता है तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप लोग के पास मिलते रहेगा। और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर देना है। अभी तक हमारा वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर देना है। आपका एक लाइक हमारा बहुत मोटिवेशनल मिलता है। आपके लिए इतना कर रहे हैं, थोड़ा हमारे लिए भी कर दो। हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, और एक छोटा सा प्यारा सा और एक कमेंट कर देना वीडियो कैसा लगा है। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कैसे लिंक किया जाता है नहीं पता है तो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। वीडियो करके मैं डाल दूँगा आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कैसे लिंक किया जाता है। ज़रूर हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ज्योति टेक्निकल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा।